पुलिस जनता के संबंधों में सुधार लाने में सामुदायिक पुलिसिंग एक अहम किरदार निभा सकती है। ऐसा माना जाता है कि जनता और पुलिस के बीच अगर अच्छे संबंध हों तो पूरे पुलिस फोर्स को बिना वर्दी के ऐसे हजारों सिपाही मिल जाएंगे जो न सिर्फ अपराध को रोक पाएंगे बल्कि पुलिस की खराब छवि को भी सुधार सकेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी छवि जानबूझकर खराब करती है। असल में पुलिस की वर्दी के नीचे होता तो एक इंसान ही है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो हर हाल में अपने देश और समाज की रक्षा करने के कटिबद्ध होता है। फिर वो चाहे कोई त्यौहार हो या किसी भी तरह का मौसम हो, अगर ड्यूटी निभानी है तो निभानी है। हाल ही में नियुक्त हुए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में उम्मीद कार्यक्रम में कहा कि जहां एक ओर पुलिस को हर तरह की कानून व्यवस्था और उनसे जुड़े मुद्दों से निपटने की ट्रेनिंग मिलती है, वहीं बिना समाज के समर्थन के इसे प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज हम प्रौद्योगिकी के युग में रहते हैं और आर्थिक प्रगति केवल शांतिपूर्ण वातावरण में ही प्राप्त की जा सकती है। पुलिस और जनता को मिलजुलकर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। आज के दौर में ज़्यादातर लोगों के हाथ में एक स्मार्टफोन तो होता ही है। यदि इसका उपयोग सही तरह से किया जाए तो कानून व्यवस्था बनाने में नागरिक पुलिस की काफ़ी सहायता कर सकते हैं। देखा जाए तो हर जगह हर समय पुलिस की तैनाती संभव तो नहीं हो सकती है, इसीलिए बेहतर कानून व्यवस्था और सौहार्द की दृष्टि से यदि समाज को पुलिस का सहयोग मिल जाए तो फ़ायदा समाज का ही होगा। उदाहरण के तौर पर जून 2010 में जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जब फेसबुक पर अपना पेज बनाया तो मात्र 2 महीनों में ही 17,000 लोग इससे जुड़ गए और 5,000 से ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो इस पेज पर डाले गए। इन फ़ोटो और वीडियो में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें, उल्लंघन की तारीख व समय और जगह का विवरण होता था। नतीजतन जहां एक ओर नियम उल्लंघन करने वालों के घर चालान जाने लगे, वहीं दूसरी ओर वहां चालक और ज़्यादा चौकन्ने होने लग गए। इस छोटी सी पहल से पुलिस को बिना प्रयास बिना वर्दी ऐसे लाखों सिपाही मिल गए। इस प्रयास से जहां एक ओर समाज का भला हुआ वहीं दिल्ली की सड़कें भी सुरक्षित होने लग गईं। असल में करोड़ों की आबादी वाले इस देश में यदि पुलिस और जनता के बीच कुछ प्रतिशत के संबंध किसी कारण से बिगड़ जाते हैं तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। पुलिसकर्मी किस तरह की तनावपूर्ण माहौल में काम करते हैं उसका अंदाज़ा केवल पुलिसकर्मी ही लगा सकते हैं, आम जनता नहीं। स्वार्थी तत्व इस सब का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर पुलिस को बदनाम करने का काम करते आए हैं। आम तौर पर यह देखा जाता है कि यदि कोई अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ा जाए और फिर बाद में अदालत द्वारा छोड़ दिया जाए तो दोषी पुलिस ही ठहराई जाती है, जबकि असल में भारत की दंड संहिता और न्यायिक प्रणाली में ऐसे कई रास्ते होते हैं जिसका सहारा लेकर अपराधी का वकील उसे छुड़ा लेता है। यदि असल में अपराधी दोषी है और पुलिस ने सही कार्यवाही कर उसे हवालात में डाला है तो समाज का भी यह दायित्व होता है कि यदि किसी नागरिक ने अपराध होते हुए देखा है तो उसे अदालत में जाकर साक्ष्य देना चाहिए।
ऐसा करने से पुलिस और समाज का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा ही। जहां राजनीतिज्ञ लोग पुलिस प्रशासन को अपना हथियार समझकर उन पर दबाव डालते हैं, वहीं पुलिस कर्मी अपने तनाव और दबाव के बारे में किसी से भी नहीं कहते हैं और आम जनता के सामने बुरे बनते हैं। पुलिस कर्मियों पर अगर कुछ नाजायज करने का दबाव आता है तो पुलिस अफसर को मीडिया या आजकल के दौर में सोशल मीडिया की मदद से अपने पर पड़ने वाले दबाव का खुलासा कर देना चाहिए। इससे जनता के बीच एक सही संदेश जाएगा और पुलिस को अपना हथियार बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं का भांडाफोड़ भी होगा। गौरतलब है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 1861 के एक्ट के अधीन कार्य करने वाली भारतीय पुलिस में सामुदायिक पुलिसिंग का कहीं भी वर्णन नहीं था। यह तो सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप का असर है कि हर राज्य के पास एक राज्य पुलिस एक्ट है। हर राज्य पुलिस एक्ट में सामुदायिक पुलिसिंग का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर है, परंतु इसे कोई विशेष तवज्जो नहीं दिया जाता। यदि सामुदायिक पुलिसिंग का सही ढंग से उपयोग हो तो पुलिस अपना कार्य तनाव मुक्त होकर काफ़ी कुशलता से करेगी। 20वीं शताब्दी में भारत के उत्तरी राज्यों में ठीकरी पहरा नामक योजना प्रचलन में थी, जिसके अंतर्गत गांव के सभी युवा रात्रि के समय पहरा देते थे तथा डाकू व लुटेरों को पकड़ने में पुलिस की मदद करते थे। पंजाब ने सांझ, चंडीगढ़ में युवा शक्ति प्रयास तथा तमिलनाडु में मोहल्ला कमेटी आंदोलन के नाम से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं तथा हर राज्य में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। शुरू में इन योजनाओं के माध्यम से राज्यों की पुलिस ने जहां बड़े बड़े अपराधी गिरोहों को पकड़ा था, वहीं ऐसे पुलिस वालों की भी पहचान हुई थी जो अपराध में खुद संलिप्त थे। लेकिन समय गुजारते इन योजनाओं की तरफ अब शायद कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। आज के दौर में जहां देश के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की नज़र है, वहीं अगर सामुदायिक पुलिसिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो अपराध घटेंगे और जनता और पुलिस के बीच संबंधों में भी सुधार होगा। नागरिक पुलिस को अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानेंगे।